आपकी टूथ की कैप बार बार निकल रही है, अगर आपका डेंटल ब्रिज बार बार निकल रहा है, आपने लगाया और निकल जाता है, तो उसका मैं आज आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये पूरा हम लोग इनलाइन डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए जिसका जो डेंटल कैप अगर करवाया है या ब्रिजिंग करवाया है, वो निकल आ रहा है बार बार, तो उसका ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखना। आइए क्विकली हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं टूथ कैपिंग और ब्रिजिंग क्यों निकल आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। अभी टूथ कैपिंग और ब्रिजिंग क्यों निकल आता है ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये टूथ कैपिंग ब्रिजिंग होता क्या है। फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक डमी मॉडल आपके सामने रखा है। तो जैसा मान लीजिए आपका रूट कैनलिंग हुआ है या फिलिंग कोई बड़ा है, जिस पे कोई भी कारण से अगर उस पे इस तरह का स्ट्रक्चर बिठाया जाता है तो उसको टूथ कैपिंग कहते हैं। और अगर आपका कोई मिसिंग दांत है, जैसे मान लीजिए ये दांत मिसिंग है और आजू बाजू के दो दांत को शेप करके अगर इस तरह का ब्रिजिंग मतलब ये दो दांत उसको सपोर्ट दे रहा है और इस तरह का ब्रिजिंग किया हुआ है, तो ये होता है ब्रिजिंग, ये होता है डेंटल कैप। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको जैसे ही वो खाना वगैरह खा रहे हैं ये कैप हाथ में आ जाता है या ब्रिज हाथ में आ जाता है, बार बार ये होता है। तो चलो एक बार तो हो गया, आपको लग रहा है हो चुका है, निकल आ गया, वापस टिक कर दिया, वापस निकल रहा है, तो इसका ये जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि ये क्यों निकल आता है। आइए चलते हैं रीज़न वन। तो रीज़न वन ये होता है कि अगर पेशेंट रिलेटेड, अगर पेशेंट आपने कुछ स्टिकी चीज़ खा लिया या ऐसा कोई चीज़ खा लिया जिससे कि कैप खींचा जाए, मान लीजिए मैंने बहुत ही स्टिकी ऐसा चॉकलेट खा लिया, तो चॉकलेट उस पर जाके बैठ गया और जब आप उसको चबा रहे उसको खींच के लेके आए या च्युइंग गम खा रहे, तो ये सिंपल कारण है जिससे कि कैप निकल आता है। सिंपल सा बात है कि अगर आपका ये बार बार हो रहा है तो इस तरह के चीज़ आप मत खाइए, या तो फिर सिंपल है कि अगर कैपिंग यहाँ पे तो यहाँ से वो चीज़ को एंजॉय कर लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे काफ़ी केस रहते हैं कि जिसमें जब आप कैपिंग करवा रहे तो दांत की जो हाइट है वो डिसाइड करती है कि दांत को कितना ग्रिप मिलने वाला है, कैप को कितना ग्रिप मिलने वाला है दांत के ऊपर। इसका मतलब क्या है, वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये जो आपने कैपिंग करवाया है इसको दांत को शेप देना पड़ता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो दांत है ये दांत को छोटा किया गया है ताकि उसके ऊपर कैप ठीक से बैठ पाए। काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका अच्छा ग्रिप मिल रहा है, ये दांत छोटा हो गया, कम ग्रिप मिल रहा है, तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि क्योंकि स्ट्रक्चरली वो दांत ना के बराबर बचा है या बहुत कम बचा है तो उसमें ग्रिप नहीं मिलते और जैसे कुछ खाया वो निकल आता है। तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं दांत का ग्रिप बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं क्राउन लेंडिंग प्रोसीजर। अभी ये प्रोसीजर क्या है, मान लीजिए कि दांत सिर्फ इतना सा बचा है, ये मसूड़े का लेवल है, ये गम्स का लेवल है, तो हम लोग गम्स को थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेते हैं जिससे कि दांत पे ग्रिप अच्छा मिले। तो ये क्राउन लेंडिंग प्रोसीजर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें आपको टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है, ये आप कोई भी डॉक्टर को बताएंगे या ज़्यादातर डॉक्टर को ही पता रहता है। तो क्राउन लेंडिंग प्रोसीजर करवा के जब आप कैपिंग फिट करेंगे, स्पेशली उन दांतों में जिसमें रेसिडुअल टूथ हाइट कम है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा जो हम लोग कर सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा अगर पॉसिबल रहेगा तो कैडकैम क्राउन्स यानी कंप्यूटर मिल्ड क्राउन्स के लिए आप जाइए। इससे क्या होता है, जैसे नॉर्मली जो कैपिंग बनती है वो जैसा सोना गालते हैं वैसा कास्टिंग से होता है, तो बिकॉज देर इज कास्टिंग रिलेटेड श्रिंकेज, वहाँ पर श्रिंकेज होने की वजह से उसके ग्रिप कम मिलता है। लेकिन अगर यही काम आप कंप्यूटराइज बनवाते हैं यानी कि कैडकैम क्राउन बनवाते हैं, फ्रेंड्स अभी कंप्यूटर का ज़माना आ गया है तो जितना हो सकता है कैडकैम रिलेटेड अगर आप काम करवा रहे हैं, कंप्यूटराइज काम करवा रहे हैं, तो जो एक्यूरेसी ऑफ फिट मिलता है, जैसे जो भी कैप है ये समझ लीजिए कि कैप जो दांत के साथ बाइंडिंग हुआ है वो सीमेंट से नहीं हुआ है, उसकी जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कैडकैम से क्राउन बनवाया है तो अप टू 10 माइक्रोन, अप टू 20 माइक्रोन, अप टू 200 माइक्रोन, डिपेंडिंग आप कौन सा टाइप का प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसको एक्यूरेसी दे सकते हैं। और ये जब एक्यूरेट और प्रिसीजन बन के आएगा तो आप देखेंगे कि आपका कैप बार बार नहीं निकल आता। अब क्विकली चलते हैं ब्रिज। ब्रिज जो मैंने बताया कि दो या तीन दांत जब है वो क्यों निकल आते, तो इसका मैंने देखा है कि मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि मान लीजिए आपके दोनों साइड दांत मिसिंग है और आपने एक साइड ब्रिजिंग करवा लिया और सोचते कि अभी ये साइड तो चलने दीजिए, मेरा खाना पीना चल रहा है, तो ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, मान लीजिए आप फोर व्हीलर का गाड़ी लेते हैं और तीन टायर पे चलाते हैं,
उस तरह का इम्बेलेंस हो रहा है जहाँ पे आप एक बाजू अपने दांत के से चबा रहे और दूसरे साइड मिसिंग दांत छोड़ रहे या यहाँ का प्रॉब्लम छोड़ रहे, तो इम्बेलेंस के वजह से वो जो ब्रिजिंग है वो बार बार निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक क्विक और शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये जो कैपिंग ब्रिजिंग का जो प्रॉब्लम निकल आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये क्यों निकल आता है ये बात को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही जानकारी वाला था और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर करेंगे। इस वीडियो को फटाक से लाइक बटन दबा दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।